ये मैं आज को जो आपको पेशेंट बताने वाला हूँ ये एक्चुअली है बाइपोलर डिसऑर्डर का। बार 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 उनको मैनिया के झटके आते हैं, मतलब हर्ष भाई उन्माद, और उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा बोलना, फिर कंट्रोल में नहीं आता। ये करीब करीब मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा अटैक होगा कि जिसमें वो हमारे पास में आए। इसमें होता क्या है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में कि आपको सोडियम वैलपोरेट या लिथियम कार्बोनेट जो दवाई है ये दवाई मेंटेनेंस के लिए रखना पड़ता है। मतलब जो मूड्स जो होते हैं अप डाउन उसमें वो मूड कायम रखने के लिए आपको दवाई रखनी पड़ती है, चालू रखनी पड़ती है, और वो दवाई लेते नहीं है। एक बार अच्छे हो गए तो फिर पेशेंट भी ना बोलते, रिलेटिव्स भी ना बोलते और भी दवाई बंद कर डालते हैं। तो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में स्पेशली मेंटेनेंस थेरेपी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सोडियम वैलपोरेट देते हैं या लिथियम कार्बोनेट देते हैं ज़्यादातर, या फिर उनको सूट नहीं होता तो कार्बामेथाजेपिन देते हैं कि जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होते हैं। अभी ये काफ़ी अच्छे हैं, इनको हमने अभी यहाँ एंटी साइकोटिक दवा दिया क्योंकि वायलेंट आए तब, और इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी भी दिया क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल के बाहर थे, और पिछले बार भी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी से ठीक हुए, अभी इस बार भी ठीक हो गई है, तभी एक दो दिन में छुट्टी हो जाएगी। तो ये मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस और बहुत बढ़िया इनका इलाज अभी हो चुका है, और आपको भी ठीक लग रहा है, अच्छा लगता है अभी, गुड, नींद वगैरह आ रही है, गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।